उमात्मा तुम गिरिजामति सहजरा प्राण शरीरम गृह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम् शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के गुड लक में। हर रोज की तरह हम उपस्थित हैं आपके समक्ष किस्मत के सितारों की चाल बताने वाले शो को लेकर। जी हाँ, आज का गुड लक, आज सोमवार है और साथ साथ प्रदोष का अवसर भी है, प्रदोष भी रहेगा शाम को, तो बहुत सुंदर अवसर है। हम आपको बताएंगे आपकी अपनी राशि में क्या छिपा है, साथ साथ किन उपायों को कर आप घर में सुख समृद्धि और कैरियर में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी बातें आपको बताएंगे। और हाँ, यदि व्यक्तिगत रूप से आपको जानना चाहते हैं अपनी राशि का हाल, तो हमें नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की गुड लक की। बस आप अपनी स्क्रीन के साथ जुड़कर बैठ जाइए और कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सोमवार का अवसर है और शाम को त्रयोदशी आ जाएगी, इसलिए प्रदोष का व्रत आज ही किया जाएगा। साथ साथ मंगल शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में आज जा रहे हैं। देखिए, शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं और मंगल का शनि यानी शत्रु के नक्षत्र में जाना शुभ नहीं है। 29 जून तक पुष्य में रहने वाले हैं मंगल, तो इसी प्रकार से आपको सावधान रहना है, कौन सी राशि वालों को क्या उपाय करना है, ये सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। भरणी नक्षत्र आज विद्यमान है, साथ साथ सौभाग्य नाम का योग बना हुआ है। शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए, 11:46 से लेकर 12:12 तक शुभ मुहूर्त का समय रहेगा। इस समय को आप यदि यूटिलाइज करना चाहते हैं, कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं, नया कार्य आरंभ कर रहे हैं, तो आज उसका लाभ ले सकते हैं। राहु काल आज जो रहेगा वो 8:26 से लेकर 9:49 तक रहेगा, तो इस समय से बचते हुए कार्य करें तो आनंद होगा। तो कार्यक्रम के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के आरंभ करते हैं और बताते हैं राशियों के फल में आज क्या कुछ रहेगा। आकाशीय पार्लियामेंट में कौन सा नक्षत्र का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में क्या खेल खेलने वाले। सबसे पहले नंबर है मेष राशि वालों का। आज प्रतिशोध की ज्वाला से बचने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस, ज्यादा प्रतिशोध आपको स्वार्थी व्यवहार, जो आपका व्यवहार है वो आपके लिए जीवन में परेशानी कष्ट का आगमन हो सकता है। अकस्मात धन लाभ के योग अवश्य बन रहे हैं। देर शाम तक मन में चल रही सारी इच्छाएं पूर्ण होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। धार्मिक आस्था से संकटों को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। शाम को शिव की उपासना करें, प्रदोष है, शिव का अभिषेक कर दीजिए, कल्याण ही कल्याण होगा। लोगों के व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, उनको लेते हैं। हनुमानगढ़ से हमारे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया है दीपक जी का, और दीपक जी कहते हैं वो काफ़ी समय से घर पर बैठे हैं और काफ़ी समय से उनकी नौकरी नहीं मिल पा रही है, चाहकर भी प्रयास करने से भी उनका रास्ता नहीं प्राप्त हो पा रहा है, काफ़ी तनाव में है। इससे छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछना चाहते हैं। बहुत सारे लोग इस कोविड काल में इसी समय से इसी परेशानी से ग्रसित हैं, उन सबको भी निदान चाहिए। हमने आपकी जन्मपत्री देखी दीपक जी, और उस जन्मपत्री के अनुसार से राहु की दशा आप पर चल रही है, और सोमवार के समय यदि आप एक उपाय कर लें, गन्ने के रस से इच्छु रस बोला जाता है, इच्छा पूर्ति के लिए शिव का अभिषेक प्रदोष में यदि कर लिया जाए, मैं कहूँगा हर सोमवार को कर लिया कीजिए, देखिएगा बहुत जल्दी आपकी मनशा पूरी होगी, जो परेशानी चल रही है उससे आपको निवृत्ति प्राप्ति का रास्ता बन जाएगा। इच्छा यही होनी चाहिए कि प्रभु के समक्ष जो आप कर रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वही अभिषेक करते वक्त लगातार मनशा आकांक्षा मन में रहे, तो देखिएगा बहुत जल्दी रास्ता आपको प्राप्त होगा, ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दूसरी राशि मकर राशि वालों, आपकी राशि में पैसा आने के साथ साथ थोड़ी बेचैनी बढ़ने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। प्रभु का स्मरण करें, मन को शांत करने का प्रयास करें, और साथ साथ ध्यान रखना है बच्चों का, छोटे बच्चे जो है उनका खासतौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज का दिन, आज के ग्रह योग जो आपके हैं उन पर थोड़ा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, स्नेह पूर्वक समय गुजारने का प्रयास करें, हो सके तो भगवान शिव का तिल के लड्डुओं का भोग लगाने का प्रयास करें, भगवान शिव को आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और परेशानी से निवृत्ति का मार्ग भी आपके समक्ष उपस्थित होगा। मिथुन राशि के संबंध में बात कर लेते हैं। बुध प्रधान मिथुन राशि वालों, आज पराक्रम अद्भुत रहता दिखाई दे रहा है, साहस और हिम्मत से आसानी से बड़े जो मुश्किल कार्य हैं उनको आप पूरा करने का रास्ता बना सकते हैं, चिंता ना करें, लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करें। हाँ, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें, पेट संबंधित रोग थोड़े परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, सेहत बिगड़ने के योग बनते दिखाई दे, हो सके तो प्राकृतिक आहार विहार लेने का प्रयास करें, एक मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, और हो सके तो एक काम और कर लीजिए, खीर बताशो भगवान को समर्पित करने का प्रयास करें, यथाउचित रूप से भगवान को भोग लगाएं, खीर खासतौर पे आपकी परेशानी को दूर करने का रास्ता बनाएगी। हम बात कर लेते हैं एक और व्हाट्सएप की।
संदीप जी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया है ऊना से, और संदीप जी ने लिखा है कि वो अपने पुत्र के बारे में देखते हैं थोड़े परेशान हैं, विवाह को काफी समय हो गया है परंतु संतान उनके जीवन में नहीं आ पा रही है, तो इसलिए दादा नहीं बन पा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव भी चल रहा है, संदीप जी दादा नहीं बन पा रहे हैं, तो इसलिए और ज्यादा उनके जीवन में कुछ आकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो पा रही है। तो इन सबका कारण क्या है हमने जानने का प्रयास किया। हमने आपकी जन्मपत्री देखी, नवग्रह शांति के साथ था तो उपाय करने का प्रयास किया। संतान प्राप्ति के लिए बेहद मददगार रहेगा ये उपाय, और खास तौर पर इसके संतान के पक्ष के संबंध में जो आपके ग्रह शनि महाराज और राहु की युति होकर वहाँ बैठे हुए हैं, वो खास तौर पर इस दोष के निवारण के लिए खास तौर पर एक उपाय करने का, भगवान कृष्ण की उपासना करने के लिए एक बाल रूप में उनकी फोटो लगाएं और संतान गोपाल यंत्र तुरंत स्थापित करें, इससे धीरे धीरे संतान के संबंध में इच्छा जो है वो पूर्ति के योग बनेगी। कर्क राशि वालों, आज मन को काबू रखने का प्रयास करें। जितना मन मैला होगा ना उतना ही विकार आपके जीवन में होगा, गलत बात सोचना आपके लिए भारी पड़ेगा, दुर्भाग्य को जगा सकता है, इसलिए कोशिश करें अच्छा अच्छा सोचने का प्रयास करें। आर्थिक लाभ निश्चित दिखाई देता है, फिर गलत रास्ते पर जाने की जरूरत क्या है, जब आपको निश्चित ग्रह योग दिखा रहे हैं कि लाभ आपका है तो फिर गलत रास्ता चुनने की जरूरत ही नहीं है। परंतु आज आपके सहयोगी आपका साथ नहीं देंगे, चावल का दान सुबह सुबह कर दीजिए, सोमवार का अवसर है, चंद्रमा प्रसन्न होंगे, शिव का आशीर्वाद मिलेगा, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे। सिंह राशि वालों का भाग्य क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप खरा खरा बोलते हैं राजा है, लेकिन खरा खरा बोलना नुकसान करा सकता है, थोड़ी चाणक्य नीति का। सिंह जो होता है ना बादशाह होता है, और बादशाह की तरह बोलने का प्रयास करते हैं, हुक्म देने का प्रयास करें, परंतु आज थोड़ी शुक्र नीति चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए काम करने का प्रयास करें। आज कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिस आपकी बात जिसको कहेंगे दूसरों को बुरी लग सकती है, सावधान रहें क्योंकि लोग टूट सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं, पैसों की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, उधार मांगने का प्रयास करेंगे तो अवश्य मिल जाएगा, लेकिन सावधान रहेगा, भविष्य में उधार चुकाना भी है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, एक उपाय कर लीजिए, शिव मंदिर पर जाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर लीजिए, सोमवार का अवसर, सोने पर सुहागा प्राप्त होगा, आपकी परेशानियां दूर करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। कन्या राशि के संबंध में बात कर लेते हैं, कन्या राशि वालों का आज का भाग्य कैसा है। ऊंची सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है, जी हाँ, बड़ी सोच, अच्छी सोच, विशाल हृदय वाली सोच, छोटी नैरो माइंडेड थॉट जो है वो आपको परेशान कर देंगे, इसलिए विचार बड़े रखते हुए केवल सपनों में ना रहें, इस बात का ध्यान रखें, हवा में रहेंगे सपनों में रहेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी है कि काम करना किस प्रकार से, तभी काम सिद्ध होंगे। मान लीजिए सूत्र यही है कि बड़ी वो सोच हो, काम करने के लिए आरंभ हो, केवल विचार नहीं, विदेश संबंधित कामों से फायदा होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु आपके कारण घर वालों को परेशानी हो सकती है। जल का दान कीजिए सुबह सुबह, कल्याण के योग बनेंगे, ज्येष्ठ मास चल रहा है, जल का दान सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। हम सब सपने देखते हैं, कुछ ना कुछ भविष्य में होने की जो सूचना है, पूर्व सूचना पता हमें भी है परंतु भूल जाते हैं। हम आपके लिए लाए हैं ना ये सेगमेंट, इसीलिए रतलाम से विनोद जी का एक मैसेज आया है, और विनोद जी ने सपने में खुद को चावल खाते हुए, भात खाते हुए देखा, तो जानना चाहते हैं क्या फल है इसका, परेशान है और क्या रहे, पता नहीं कुछ होने वाला है, शुभ है अशुभ है, कैसा है। शुभ है चावल खाते हुए देखना, बहुत शुभ है चावल का देखना ही शुभ है, जल्दी धन लाभ के संकेत मिलते दिखाई दे रहे, धन प्राप्ति का संकेत है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, भगवती महालक्ष्मी की उपासना भी करें। राहुल जी का मैसेज आया है, और राहुल जी ने सपने में देखा मगरमच्छ को पकड़ते हुए, बड़ा लगेगा आदमी तो मैं तो बड़ा वीर हो गया, परंतु ये सपना शुभ नहीं है राहुल जी, ये सीधा सीधा दिखाता है कि भविष्य में कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, कारागार जाने के योग बन सकते हैं, परेशानी आपके गले पड़ सकती है, तो इसलिए इस सपन को तुरंत निष्पादित करने के लिए यानी निष्फल करने के लिए तुरंत उपाय करने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का अभिषेक कर ले, शिव का पूजा कर ले, और खासतौर पर एक मंत्र बता रहा हूँ, अघोर मंत्र, मघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्या सर्वेभ्या सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रूपेभ्या, इस मंत्र का जप कीजिए और साक्षात भगवान शिव की उपासना से ही इस जो दुष्स्वप्न जो आपको दिखाई दिया है इससे आपको परेशानी होने का जो रास्ता दिखाई दे रहा है, परेशानी का मार्ग जो है उससे निवृत्ति हो सकती है, इसलिए कोशिश करें सावधान रहते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। तुला राशि के संबंध में बात कर लेते हैं, तुला राशि वालों मामले करेंगे कल्याण, कठोर निर्णय लेने के योग दिखाई देते हैं, आज किसी बड़े संकट में फंसते दिखाई दे रहे हैं, नाप तोल कर बोलने का प्रयास करें, बिना सोचे विचारे कुछ मत बोलिएगा, मुसीबत खड़ी हो सकती है। उपाय के तौर पर आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि आज किसी मंदिर में जाकर सफेद वस्त्र का दान करिए, किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को गरीब सफेद वस्त्र दे दीजिए, आपके कष्ट कम होंगे। वृश्चिक राशि वालों की किस्मत क्या कह रही है जान लेते हैं, मामले करेंगे कल्याण, आपकी राशि के अनुसार से मन की बेचैनी दूर अवश्य होती दिखाई दे रही है,
सूर्य थोड़े से आपके जीवन में, ऐसा है कि आज के जो उदय हो रहे हैं वो आपके जीवन में कुछ नई प्रसन्नता का उदय करते दिखाई दे रहे हैं। आज मन को काबू करने का प्रयास करें, नेम फेम में चार चांद लगाने के लिए काम अवश्य करेंगे तो लगेगा फेम अवश्य प्राप्त होगा, चार चांद लग सकते हैं। आप जो भी काम करेंगे उसमें लाभ अवश्य होता दिखाई दे रहा है, इसलिए पैसों से लेकर प्रसन्न रहने के योग दिखाई देते हैं, आपका मन प्रसन्न रहेगा। भगवान शंकर का दूध से अभिषेक कर लीजिए, सोने पे सुहागा प्राप्त होगा। जीवन में व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनका खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए। कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ खराब बातें होती हैं, परंतु आपके द्वारा किए गए शुभ कर्मों के द्वारा आपके जीवन में अच्छे रास्ते प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके द्वारा जीवन में कुछ करने से आगे आपका भविष्य जो है बिगड़ जाता है। नोट कर लीजिए इन बातों को, जो लोग चेक भी कर लीजिएगा, जो लोग खाना खाने के बाद जूठे बर्तन इधर उधर छोड़ के चले जाते हैं उनको स्थायी रूप से कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। स्थान देवता, हमारे यहाँ कहा गया है ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्र देवता, क्षेत्रपाल इत्यादि समस्त प्रकार के स्थान के देवता भी होते हैं, वो ऐसे लोगों से उनको श्राप दे देते हैं शास्त्र के अनुसार से, और जीवन में कभी सफलता प्राप्त होने के योग नहीं हो पाते, हमेशा कष्ट में रहते हैं ऐसे लोग। इसलिए इस आदत को सुधार दीजिए, आपके जूठे बर्तन तुरंत एक साइड में कर दीजिए, जहां रखने की जगह वहां कर दीजिए, यदि साफ कर सकते हैं तो साफ भी कर दीजिए। अगर नहीं करते हैं आप ये काम तो चंद्रमा आपका पीड़ित हो जाएगा, बुरा प्रभाव देने लगेगा, कभी अच्छे जीवन में नहीं, यानी मन की बेचैनी हमेशा बढ़ी रहेगी, परेशानी बढ़ी रहेगी। तो ये अच्छी आदतें पालने का प्रयास करें, नहीं तो कष्ट का सामना होता है। अगर आपका रसोई का सामान, खासतौर पर कई जगह देखते हैं ना रसोई का सामान फैला पड़ा है, समझ लो एक चम्मच भी ढूंढने के लिए कई बार परेशानी हो रही है, तो समझ लीजिए बुध ग्रह आपको आगे आने वाले समय में नुकसान पहुंचाने वाला है। रसोई का कई सामान निश्चित जगह पर है, उसको वहीं रखने का प्रयास करें, अन्यथा बुध हमेशा बिगड़ा ही रहेगा। फिर करते रहिए उपाय, आपकी कुंडली में तो बुध बहुत अच्छा है परंतु कर्म जो है वो सही दिशा में नहीं हो रहे। ये छोटी छोटी बात है, लोगों को पता नहीं चलता है, लाभ देती है, कष्ट भी बता देती है जीवन में, तो इनको शुभ कर लीजिए, है आपके हाथ में ना। एक काम और, बहुत सारे लोगों के पैर देखे होंगे आपने, एड़ियां फटी पड़ी हैं। जो लोग आप नहाते वक्त, स्नान करते वक्त नित्य प्रति अपने पैरों की सफाई नहीं करते, केवल चेहरा और हाथ धो लेते हैं, मान लीजिए उनके जीवन में दुर्भाग्य आना निश्चित है। तो मेरा एक सुझाव है आपको कि नहाते धोते वक्त खासतौर पे अपना चेहरा ही नहीं, आप पैर और अपने एड़ियों को भी खासतौर पे साफ करने का प्रयास करें। और जो लोग पैरों को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं इस प्रकार से साफ करने के लिए, समझ लीजिए दुर्भाग्य को जगाते हैं। हम एक छोटा सी गलती और कर लेते हैं, टीवी देख रहे हैं आप, बेडरूम में खाना खाने की जगह नहीं है, खाना खाने की जगह कहीं और है, या बेड पर बैठ के खाते हैं, तो समझ लीजिए परिवार में कलह, और फिर कहते हैं परिवार में कलह शांति रहती नहीं है। ये छोटी छोटी पति पत्नी के बीच में दरार आएंगी ही आएंगी, इसलिए बेडरूम सोने के लिए, विश्राम करने के लिए, खाना खाने की जगह नहीं है। खासकर यदि कोई दिक्कत तो बेड के नीचे जगह बना लीजिए, वहां बैठ के आराम से खा लीजिए। अगर कोई व्यक्ति, बहुत लोगों ने शनि परेशान कर रखा है, जी सुधरता ही नहीं है, आप यदि उन पे देखें तो पैर घिसा के जमीन, यानी पैर उठा के चलने की बजाय पैर घिसा के चलते होंगे, चलते वक्त आवाज कर 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 आवाज भी आती होगी, ऐसा समझ लीजिए जिनके जीवन में जो ऐसा काम कर रहे हैं शनि हमेशा उनको कष्ट देता रहेगा, कंगाली रहेगी। पैर घिसा के चलने वाला व्यक्ति दरिद्रता में जीवन दोष करता है, शनि का दोष लगता है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपनाने का प्रयास करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। घर में अगर मेहमान आते हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ कहा गया अतिथि देवो भव, जब भी आए तो कुछ शीतल पानी का जल, यानी पानी की व्यवस्था, कुछ खाने पीने की व्यवस्था अवश्य करना, एक नियम बनाना चाहिए आपको। जो नहीं करते हैं समझ लीजिए बुध उनका अशुभ प्रभाव कभी जिंदगी में खत्म नहीं हुआ, बुध हमेशा बिगड़े ही रहेगा। फिर आप कहेंगे जी व्यवसायिक लाभ नहीं हो पा रहा है, तो उससे निजात चाहते हैं तो छोटी छोटी बातें हमने आपको बताई, आपके ग्रह के अनुसार से ऐसी हजारों बातें हैं हम आपको बताएंगे, तो आप कोशिश करें इन पर अमल करने का प्रयास करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, राशियों के संबंध में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों, आपकी किस्मत आपके साथ है, इसलिए कहा गया है कोशिश करें भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत, तो समय आपके साथ है, भाग्य के भरोसे चल सकते हैं, हर काम पूरा होने के योग बनेंगे, व्यर्थ के झगड़ों से बचने का प्रयास करें, कहीं फंस जाएंगे तो परेशानी में फंस जाएंगे, इसलिए खासतौर पर अपने काम से काम रखने का प्रयास करें, व्यर्थ की बातों में समय बर्बाद ना करें, ये छोटी सी बात का ध्यान रखें। कटुता से हानि होने के योग है, इसलिए कटुता को त्यागने का प्रयास करें, सुबह सुबह या शाम को तो खासतौर पर क्योंकि पुरोष काल है, सुबह सुबह जाकर भगवान शिव में बिल्व पत्र समर्पित करें, शाम को भी अवश्य जाएं, सुबह वाला काम मत कीजिएगा, मैं सुबह हो आया था मंदिर शाम को नहीं जाऊंगा, अरे शाम को ही तो पुरोष काल है।
मकर राशि वालों, आपकी कुंडली को देख के लग रहा है ग्रहों को देखते हुए परोपकार करने से भाग्योदय होता दिखाई दे रहा है, मन तन दोनों स्वस्थ रहेंगे, दूसरों की सेवा करने से किस्मत आपकी ही जाती है। सरकारी काम पूरे होने के योग दिखाई देते हैं, परंतु आज सावधान रहिएगा, किसी गलत कारण के काम के कारण से चलान भी कट सकता है, जुर्माना हो सकता है, नियम का पालन करने का प्रयास करें और हो सके तो काली चीज का दान कर दीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों का भाग्य जो बता रहा है, ग्रहों की गणनाओं के अनुसार से थोड़े से उतावलेपन के कारण से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तेज जो मिजाज है आपका, वो छोटी छोटी बातों में अटकाव कर पैदा कर सकता है, उससे आप काफी कुछ गंवा सकते हैं, परमात्मा की शरण में जाए, उम्मीद अवश्य जागेगी। आपकी राशि के अनुसार से मानसिक तनाव को आप दूर कर सकते हैं, डूबती नैया को पार लगा सकता है, परमात्मा की आराधना ओम नमः शिवाय का जप करें और साबुत मसूर की दाल का दान कर दीजिए, लाभ प्राप्त होगा। राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि वालों का भाग्य बता रहा है कि आज विरोधी परेशान करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से ग्रह थोड़े परेशान करने के योग दिखा देते हैं, उसके लिए खासतौर उपाय करने का प्रयास करें, प्रतिद्वंदी प्रबल रहेंगे और खासतौर पर आपके लिए परेशानी खड़ी करते दिखाई दे रहे हैं। आज हर काम में थोड़ी सावधानी बरतने का प्रयास करें, पैरों में दर्द आपको परेशान कर सकता है, आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि उपाय करने का प्रयास करें, हर दिक्कत का सामना आसानी से कर पाएंगे, उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप करने का प्रयास करें, सुगंधित पुष्प भगवान को समर्पित करें। हम बात कर लेते हैं व्हाट्सएप मैसेज की, और एक व्हाट्सएप मैसेज आया है हमारे पास समीर जी का। समीर जी वो जाते हैं, उनको क्रोध बहुत आता है, अब कैसे करें क्रोध को, क्रोध को दूर करने के लिए हमारे पास योग में एक से एक अद्भुत आसन है, मुद्राएं हैं, और मैं आपके लिए आज जो आसन लाया हूं उसका नाम है अष्टांग नमस्कार, समर्पण पूरी तरह से। आपने देखा ना अष्टांग, आठ अंग जमीन पर लग जाए, और ये आठ अंग यानी माथा इत्यादि, पेट इत्यादि, उदर, छाती, ये सब के सब जमीन, हाथ लग जाए, पैर भी लग जाए, तो ये आठों के आठों अंग आपके जब जमीन पर टच हो जाए तो इससे क्या समर्पण है वास्तविक तौर पर, और समर्पण से समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इस आसन का एक अद्भुत लाभ ये है कि आपके देखिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आपको ये सूर्य नमस्कार की पोज किस प्रकार से करके दिखा रहे हैं, करने का तरीका सामने आपके किया जा रहा है, किसी योग्य टीचर के साथ बैठकर भी आप कर सकते हैं, संतुलित बनाए रखते हुए, और खास तौर पर आप नित्य प्रति करने का प्रयास करें, थोड़ी देर के लिए कर लीजिए, देखिए आपके जीवन में कल्याण होगा, आपके जो स्ट्रेस के अंदर जो एंजाइटी बन जाते हैं उन सबको बैलेंस करने के लिए अद्भुत रूप से लाभ प्राप्त होगा। अष्टांग नमस्कार आसन इतना लाभदायक है, कोशिश करें करिए, आपके जीवन में कल्याणकारी योग बनेंगे, क्रोध पर विजय प्राप्त होने के योग बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं हेल्दी टिप के बारे में। देखिए हमारे पास नितिन जी का मैसेज आया है और वो जानना चाहते हैं कि कोविड काल चल रहा है और किस प्रकार से हम हेल्दी टिप अपनाकर अपने जीवन में शुभ कर सकते हैं। आंवला एक इतनी बढ़िया चीज है कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप कर देता है। आजकल आंवला मिल तो जाता है परंतु थोड़ा महंगा है। आंवला जब आता है वो चैत्र से यानी शारदीय नवरात्र से लेकर चैत्र नवरात्र तक बहुत प्रचुर मात्रा में आता है। आजकल आंवला जो है वो आप उसको यूज कर सकते हैं मुरब्बे के रूप में, और फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा है। पोषक तत्व अद्भुत रूप से मजबूत होते हैं और उसके अंदर आयरन, विटामिन सी अद्भुत रूप से रहता है, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, आयरन की डेफिशिएंसी को ठीक करने के लिए, हृदय की धमनियों को सशक्त करने के लिए, लचीला बनाने के लिए, आंखों के लिए, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए, यानी ओवरऑल बॉडी को खासतौर पर इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए एक अद्भुत ये औषधि है, तो इसको नित्य प्रति आप ले सकते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। होशंगाबाद से एकनाथ जी का मैसेज आया है और एकनाथ जी का कहना है कि उन्हें नींद नहीं आती। नींद को ठीक करने के लिए क्या करें? देखिए एक तो सबसे पहले एक्सरसाइज कीजिए प्रॉपरली, वॉक कीजिए कम से कम 5 से 6 हजार 10 हजार स्टेप तक नित्य प्रति चलने का प्रयास करें, और यह है ज्ञान मुद्रा। जो रोज गोली खाते हैं, दवाई खाते हैं, ये पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर इसको करने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। वैसे तो पद्मासन में बैठकर पूरी तरह से बैठना चाहिए, लेकिन केवल उंगली को टच इस प्रकार कर लेने से ज्ञान मुद्रा बन जाती है। तो चलते फिरते उठते बैठते इस ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कीजिए, मन शांत होगा। इस मुद्रा का कार्य है मन को शांत करना, देखिए धीरे धीरे लाभ प्राप्त होगा। समय आपसे विदा लेने का, तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी जो बातें बताई कोशिश करें उनको अपनाने का प्रयास करें। आज हमने एक आपके लिए समक्ष रखा था कि जो बातें हैं, छोटे छोटे कर्म जो है जिसको जो आपके जीवन में दुर्भाग्य का उदय कर सकते हैं, कैसे उनसे बचकर शुभ कर्म की तरफ जा सकते हैं, छोटी छोटी आदतें सुधारिए, जीवन में कल्याण प्राप्त होगा। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी इस समय पर, तब तक के लिए नमस्कार। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।